चार्जिंग केबल भूल गया था। तो यार मैं कल ज़्यादा कुछ व्लॉग कर नहीं पाया, मैं बिज़ी था यार। मेरे को तो बोलने में भी अजीब सा लग रहा है कि मैं फ़िल्म की एडिटिंग कर रहा था, बट यही सच्चाई है मेरी कि फ़िल्म की एडिटिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। तो उसी में ही मेरा कल पूरा दिन निकल गया सिस्टम पे बैठे बैठे, एंड फिर कुछ ना कहीं जा पाया ना कुछ मैं व्लॉग कर पाया। तो यार इसलिए कल के लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। अभी मैं आया हूँ सिवनी से वापस, अभी मैं जा रहा हूँ केक लेने, एंड मुझे बुके लेना है क्योंकि आज बहुत ही ख़ास दिन है। आज है मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी। तो बस थोड़ा सा केक वगैरह काटेंगे, कुछ खाना वगैरह ऑर्डर किया है बाहर से, तो बस इतना ही प्लान है अभी। तो अभी मैं जा रहा हूँ वन क्लासिक तक, तो बस वहाँ से केक लेके मैं जाता हूँ बुके लेने। तो जा चाचा जरा भैया ये वाला केक कितने का है? ये वाला दे देना। यार कल का व्लॉग मिस हो गया, बड़ा अजीब सा लग रहा है। रोज़ रोज़ व्लॉग कर रहा था, कल कायदे से मेरे ख्याल से 23rd व्लॉग होना था, बट हो नहीं पाया वो, क्योंकि काम भी ज़रूरी है, उसको वक्त से ख़त्म करेंगे तभी वो चीज़ वक्त से बाहर आ पाएगी। तो बस यार ट्राई तो पूरा कर रहे हैं उस फिल्म को जल्दी से जल्दी रिलीज़ करने का, हो सकता है इस मंथ भी रिलीज़ हो जाए, बट अभी कुछ भी कह नहीं सकते, वो सब चीज़ें जल्दी ही फाइनल हों तो मैं भी आपको फिर अपडेट करूँ उस हिसाब से यार। और ये रोज़ रोज़ व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा टफ है भाई, रोज़ रोज़ नई कहानी कहाँ से लाएँ आपके लिए, क्योंकि अभी घर पे ही हैं, ज़्यादा कहीं ट्रैवल कर नहीं पा रहे हैं, आसपास ही जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कभी कभी। अरे हट जा चचा यार, जगह ही नहीं है गाड़ी लगाने की, हटो चचा, गाड़ी लगाने की भी जगह नहीं है यार। आता हूँ फ्लावर्स लेके, सेम ही चीज़ है। तो यार हमारे साथ कल एक अलग कांड हो गया, तो इसलिए ज़्यादा कुछ व्लॉग करने का कल मन भी नहीं किया। तो आप लोग वो कहानी सुनो
मैं जब तक घर पहुंचता हूँ लेट हो रहा है। तो यार ये थी आवाज़ मेरे WD हार्ड ड्राइव की, ये 4 TB की हार्ड ड्राइव है। ये क्लिक क्लिक की आवाज़ तब करता है जब इसका आखिरी वक्त बहुत करीब होता है। तो अब मुझे इसका बैकअप बनाना पड़ेगा, मुझे 2 4 TB की हार्ड ड्राइव ऑर्डर करनी पड़ेंगी कल, क्योंकि मेरी एक सेम 4 TB की हार्ड ड्राइव है उसमें भी सेम इशू हो रहा है। तो बहुत खर्चा होने वाला है यार। मैं अभी बताता हूँ कि मेरे पास अभी कितनी हार्ड ड्राइव है। तो यार इसमें है 1 TB की हार्ड ड्राइव, इसमें भी है 1 TB की हार्ड ड्राइव, इसमें है 4 TB की हार्ड ड्राइव और 1 TB की SSD है सैमसंग की। एंड इसमें है ये, इसमें क्या है, ये है 1 TB की हार्ड ड्राइव, ये है 4 TB की हार्ड ड्राइव, ये है 2 TB की हार्ड ड्राइव। एंड इसमें है 8 TB की इंटरनल हार्ड ड्राइव और 1 TB की SSD है M.2 और 256 GB की 2 SSD हैं। तो टोटल अपना हो गया। तो यार मेरे जितने भी फिल्म मेकर फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि यार तुम अब GTEC की हार्ड ड्राइव यूज़ करना चालू करो। अभी तक मैं ये WD की 4 TB की हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहा था, ये काफ़ी चीप होती हैं। ये आ जाती है मेरे ख्याल से 4 TB की हार्ड ड्राइव 4.5-5 हज़ार में आ जाती है। बट अब मेरे को नहीं लगता मुझे इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी भी रिलायबल नहीं है इस टाइप के काम के लिए। नॉर्मल यूज़ के लिए तो ठीक है। तो अब उनकी बात मानते हुए और अभी की परिस्थितियों को देखते हुए अब अपन को GTEC में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यार अभी आया हूँ मैं घर, सुबह जैसे जो निकला था 12 बजे से। तो अभी जाके मैं नहाऊँगा, फिर काटेंगे केक और कुछ स्पेशल मंगाया है खाने के लिए, फिर मैं वो खाऊँगा जो मैंने मार्च 2020 से नहीं खाया था। मिट्ठू की कैंडल जलाएंगे भैया अपन।